गाइस इस घने जंगल में हम रास्ता भी भटक गए, देख सकते हैं अभी हम रिटर्न की ओर हो रहे हैं और ऊपर से ही जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा घना है और ऊपर से पानी की संभावना भी बनी हुई है कि पानी अगर बरस गया तो हमें आफत में गिरा सकता है ये सब चीज़। देखिए जरूर से क्योंकि आपके रौंग के जली खड़े हो जाए। ये गाइस एक मकड़ी का जाल जो कि बहुत ही अंडाकार शेप में बनाया गया है, आप थोड़ा ध्यान से गौर से देखिए आपको समझ में आएगा। और ये मकड़ी रही, ये देख सकते हैं ये वाली मकड़ी है, इसका रूप ही कुछ अलग सा बताया है, ये देख सकते हैं आपको कुछ अलग तरीके से दिखाएंगे हम। और इसने कुछ ऐसा जाल गूंदा है कि इसमें आसानी से उनको एक शिकार पकड़ा जा सकता है, ये देख सकते हैं अंडाकार शेप से इन्होंने ये बनाया है। तो ऐसे भयानक अगर वीडियो आपको देखना चाहते हो तो गाइस हमारे चैनल पर बने रहे और ऐसे वॉच करते रहे क्योंकि हम आपको ऐसे ही भयानक जगह से कुछ कुछ व्यू दिखाएंगे जिससे आपको भी मनोरंजन और कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसे बने रहे और देखते रहिए। तो यहाँ पर हमने ये कलेक्ट कर लिया और अजय भाई को भी मिल गए यहाँ पर कुछ, तो ये इनको तोड़ते हैं सब सोनी बता। उस ओर से हम दूसरे ओर आ गए और यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी नदी हमको दिखाई पड़ी जो हम आपको यहाँ से व्यू दिखाना चाहेंगे। फ्रंट कैमरे से तो नहीं दिखाई देगा लेकिन इस बैक कैमरे से दिखाएंगे और क्या यहाँ से ड्रोन शूट अप हम आपको भविष्य में दिखाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छा लोकेशन देखने को मिल सके। इस व्यू के बाद हम जा रहे हैं कुछ आगे जंगल में जो कि बहुत ही घना जंगल है और उस एरिया में हमको जाने से और भी कुछ मिल सकते हैं। हमको ध्यान रखना होगा कि इन मकड़ी के जालों से और कुछ भयानक जानवरों से सिक्योरिटी बनाए रखना होगा। हमारे पास तलवार है कुल्हाड़ी है लेकिन हम उनको हानि नहीं पहुंचा सकते, ये भी हमारा मानना है। तो इन जगह से पानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बहता है, देख सकते पानी के बहने की स्पीड से इन पत्थरों का क्या हाल हो गया। और हमको अभी इधर नई जगह है तो देखने में हमको और भी दिक्कत जा सकती है, तो अभी हमको अंदर की ओर जाना होगा और थोड़ा बहुत जिससे हमको और भी मेड़ के पेड़ मिल सकते हैं। मेड़े क्या बोलते हैं, मतलब वो पेड़ तो मालूम नहीं लेकिन पलास का पेड़ बोलते हैं इसको हिंदी में जो कि हम उसको मेड़े बोलते हैं। नहीं मिल रहा है तो
अंदर बोलू का तो रोड में तो उन्होंने टूटा है। तो हम तो अभी नीचे आ गए जो कि बहुत ही अच्छा कम है, जंगल नहीं है और हम इधर काफ़ी ज़्यादा पेड़ दिखाई दे रहे हैं और जस्ट नदी के किनारे भी आ गए। हमने तो नहाया भी नहीं, हो सकता नहा भी लेकिन आ जाए भाई, हो सकते हैं, हो सकता है। अब देखते क्या बोल रहा है उनका। यहाँ पर मतलब सब कुछ होने के बाद, हमारे सब कुछ पला उसके पेड़ वगैरह बांधने के बाद क्या कंडीशन होंगी हम आपको जरूर से बताएंगे। और इधर पेड़ बहुत है लेकिन जो चाहिए जैसा चाहिए हमको इस तरीके के लंबे नहीं मिल पा रहे, तो अभी हमको और कुछ करना पड़ेगा। ये फूल देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और क्या बोलते हैं, ये सब हमको घने जंगलों में मिलते हैं। इधर हमको मिल रहा है सीताफल जो कि बहुत ही टेस्टी फल है जंगल का। गाइस ये पोले का त्यौहार है जो ना साल में हर बार आता है, और हर बार की तरह इस बार भी हमको लेकर आना पड़ रहा है मेड़े। लेकिन ये जो मेड़ बोलते हैं, जो पलाश के पेड़, तो हमारे पापा लोग लाते थे लेकिन इस बार हमको लाना पड़ रहा है कुछ कंडीशन जिसके कारण हमको लाना पड़ रहा है ये। तो जो हमने यहाँ पर गाड़ी के पास ला लिए अपने जो पलाश के पेड़, और अभी इसको बांध के हम गाड़ी पर सवार होके निकलेंगे अपने घर की ओर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है। वो भी कल चलते हैं यहाँ से। गाइस हम तो इधर पहुँचे गए एक और भी जंगल में जहाँ पर अभी हमको कम आ रहे थे, तो इधर हम पहुँच गए। ये देख सकते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी हंसी वादियों में दिख रहा है यहाँ का सीन। और यहाँ पर भी हम और यहाँ से मुआवजा कर रहे हैं कि हमको क्या बोलते हैं मुआना कर रहे हैं, यहाँ से हमको और भी मिल जाए थोड़े बहुत, तो शायद से देख रहे हैं। आप देख सकते ये पहाड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी है, आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं गाइस दूर दूर तक ये पहाड़ियाँ फैली है, और इन पहाड़ियाँ और जंगलों में से आ रहे हैं हम। आपको ये वाला पहाड़ी देखने को मिल सकता है, इस पहाड़ी के मुख्य छोर से हम उधर से आ रहे हैं जो कि लास्ट छोर दिखाई दे रहा है आपको। तो उस छोर से हम उस पलाश के पेड़ को ढूंढते हुए आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जंगल का एरिया हमने घूमा जो कि आप गाइस फाइनल जो है इस जंगल से कुछ भी हमको नहीं मिला, एक भी पेड़ नहीं लेके आए हम। तो अब यहाँ से हमको रिटर्न जाना होगा, क्योंकि एक भी जब नहीं मिल पाया तो हमको रिटर्न ही जाना होगा, रिटर्न से नहीं सब लेके। और फिर क्या करते हैं कि जाकर फिर घर जाकर नहाकर सो होकर एक नए अंदाज से दूसरे ब्लॉग में हम मिलेंगे। और इस ब्लॉग को करते यहीं पर एंड, और फिर तय नेक्स्ट ब्लॉग पर कोड़े में मिलेंगे, या तो हो सकता है फिर गोटमार में मिलेंगे। तो गाइस गोटमार मेला बहुत ही विशालकाय मेला है हमारे इसमें, तो पांडुरा में जो गोटमार मेला होता है आप जरूर से देखिए, क्योंकि ये जो गोटमार मेला है विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले के नाम से हमारे पांडुरा का जाना जाता है। दम भर के आ रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक ढलान हम चढ़ते आ रहे हैं। ये एरिया देख सकते हैं पूरा पहाड़ी एरिया है, और इनको हम चढ़ाव उतार करते हुए आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा थकान भी हो रही है और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो अब जो इतने हमको मिल चुके हैं तो इनका कुछ आधा आधा करेंगे, दोनों के ले जाएंगे। और जो 14 तारीख का पोला है, तो 14 तारीख को हम मॉर्निंग में लगाते हैं घर के सामने, तो उस ब्लॉग में आपको देखने को मिल सकता है कैसे क्या सीन होता है हमारे एरिया में, तो आप लोग जरूर से देखना। और फिलहाल तो इस वीडियो को करते यहीं पर एंड, और मिलता है एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को बाय बाय।